लक्ष्मी का स्वागत एकांकीकार, एक उपेंद्र नाथ अश्क पात्र परिचय रोशन एक शिक्षित युवक सुरेंद्र उसका मित्र भाषी उसका छोटा भाई पिता रोशन के पिता माँ रोशन की माता अरुण रोशन का बीमार पुत्र और डॉक्टर स्थान जालंधर के एक निम्न मध्य वर्गीय मोहल्ले में एक मकान का दालान 9 9-10 बजे सुबह दालान में सामने की दीवार से मेज लगी है जिसके एक ओर पुरानी कुर्सी पड़ी है मेज पर बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। दीवार के दाएं कोने में एक खिड़की है जिस पर मामूली छींट का पर्दा लगा है बाएं कोने में एक दरवाजा है जो सीढ़ियों में खुलता है दाएं दीवार में एक दरवाजा जो कमरे में खुलता है जहाँ इस वक्त रोशन का बच्चा अरुण बीमार पड़ा है दीवारों पर बिना फ्रेम के सस्ती तस्वीरें कीलों से जड़ी हुई हैं छत पर कागज़ का एक पुराना फानूस लटक रहा है पर्दा उठने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं कुछ क्षण बाद खिड़की का पर्दा छोड़कर कमरे में घूमता है फिर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पर्दा हटाकर बाहर दिखता है बीमार के कमरे में रोशन लाल प्रवेश करता है रोशन दरवाजे को धीरे से बंद करके डॉक्टर अभी नहीं आया सुरेंद्र नहीं रोशन वर्षा हो रही है सुरेंद्र मूसलाधार जल थल एक हो रहे हैं रोशन शायद ओले पड़ रहे हैं सुरेंद्र हाँ ओले पड़ रहे हैं रोशन भाषी पहुंच गया होगा सुरेंद्र हाँ पहुंच ही गया होगा यह वर्षा और ओले नदियाँ बह रही होंगी बाजारों में रोशन पर अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें स्वयं बढ़कर खिड़की का पर्दा हटाकर देखता है फिर पर्दा छोड़कर वापस आ जाता है घुटे घुटे स्वर में अरुण की तबीयत गिर रही है सुरेंद्र चुप रोशन उसी आवाज में उसकी सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है उसकी आंखें खुली है पर वह कुछ नहीं कह सकता बेहोश सा असहाय सा चुपचाप टुकुर टुकुर ताक रहा है आंखें लाल और शरीर गर्म सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है दीर्घ निश्वास छोड़ता है न जाने क्या होने को है सुरेंद्र सुरेंद्र हौसला रखो अभी डॉक्टर आ जाएगा देखो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है दोनों कुछ क्षण तक सुनते हैं हवा की साए साए रोशन नहीं कोई नहीं हवा है सुरेंद्र सुनकर यह देखो फिर किसी ने दस्तक दी रोशन बढ़कर खिड़की से देखता है फिर वापस आ जाता है रोशन सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है बेचैनी से कमरे में घूमता है सुरेंद्र कुर्सी से पीट लगाए छत में हिलते हुए फानूस को देख रहा है घूमते हुए जैसे अपने आप यह मामूली बुखार नहीं गले की यह तकलीफ साधारण नहीं सहसा सुरेंद्र के पास रुक कर, मेरा तो दिल डर रहा है सुरेंद्र कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी तो मुझे धोखा न दे जाएगा गला भर आता है तुमने उसे नहीं देखा सांस लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है हवा की साय साय और वर्षा के थपेड़े यह वर्षा यह आंधी यह मेरे मन में हॉल पैदा कर रहे हैं कुछ अनिष्ट होने को है प्रकृति का यह भयानक खेल मौत की आवाजें बिजली जोर से कड़क उठती है बादल गरजते हैं और मकानों के किवाड़ खड़ खड़ा उठते हैं माँ रसोई घर से रोशी दरवाजा खोलाओ देखो शायद डॉक्टर आया है रोशन सुरेंद्र की ओर देखता है सुरेंद्र मैं जाता हूँ अभी तेजी से जाता है रोशन बेचैनी से कमरे में घूमता है सुरेंद्र के साथ डॉक्टर और भाषी प्रवेश करते हैं भाषी के हाथ में इंजेक्शन का सामान है डॉक्टर क्या हाल है बच्चे का बरसाती उतारकर खूंटी पर टांगता है और रूमाल से मुंह पहुंचता है रोशन आपको भाषी ने बताया होगा डॉक्टर साहब मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है कल सुबह उसे कुछ बुखार हुआ सांस कष्ट से आने लगी लेकिन आज तो अचेत सा पड़ा जैसे अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने की मजबूर कोशिश कर रहा हो डॉक्टर चलो देखता हूँ सब बीमार के कमरे में चले जाते हैं बाहर दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है माँ तेजी से प्रवेश करती है माँ भाषी भाषी बीमार के कमरे से भाषी आता है देखो भाषी बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा है आंखों में चमक आ जाती है मेरा तो ख्याल है वही लोग आए हैं मैंने रसोई घर की खिड़की से देखा है टपकते हुए छाती लिए और बरसातियां पहने भाषी वही कौन माँ वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे बड़े भले आदमी हैं। सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है इतनी वर्षा में भी जोर जोर से कुंडी खटखटाने की आवाज भाषी भाग कर जाता है माँ खिड़की में जा खड़ी होती है बीमार के कमरे का दरवाजा खुलता है सुरेंद्र तेजी से प्रवेश करता है सुरेंद्र भाषी कहाँ है माँ बाहर कोई आया है कुंडी खोलने गया है सुरेंद्र फिर तेजी से वापस चला जाता है माँ एक बार पर्दा उठाकर खिड़की से झांकती है फिर खुशी खुशी कमरे में टहलती है भाषी प्रवेश करता है माँ कौन है भाषी शायद वही है नीचे बैठा आया हूँ पिताजी के पास तुम चलो माँ क्यों भाषी उनके साथ एक औरत भी है माँ जल्दी जल्दी चली जाती है सुरेंद्र कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोल कर देखता है और आवाज़ देता है सुरेंद्र भाषी भाषी हाँ सुरेंद्र इधर आओ भाषी कमरे में चला जाता है कुछ क्षण के लिए मौन छा जाता है केवल बाहर मेह बरसने और हवा के थपेड़ों से किवाड़ों के खड़खड़ाने का शोर कमरे में आता है हवा से फानूस सरसराता है कुछ क्षण बाद डॉक्टर सुरेंद्र रोशन और भाषी बाहर आते हैं रोशन अब बताइए डॉक्टर साहब डॉक्टर अत्यधिक गंभीरता से बच्चे की हालत नाजुक है रोशन बहुत नाजुक है डॉक्टर हाँ रोशन कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर भगवान के घर कुछ कमी नहीं पर आपने बहुत देर कर दी डिप्थीरिया में फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए रोशन हमें मालूम ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब कल सांझ इसे बुखार हो आया गले में भी तकलीफ महसूस हुई मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया वही जो हमारे बाजार में है उन्होंने गले में आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया दो खुराक दी इसकी हालत तो पहले से भी ख़राब हो गई शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया मैं भागा भागा आपके पास गया पर आप मिले नहीं तब रात को भाषी को भेजा फिर भी आप नहीं मिले और फिर यह झड़ी लग गई ओले आंधी और छक्कड़ जैसे प्रलय के बाँध टूट गए हो बाहर हवा की साए साए सुनाई देती है डॉक्टर से नीचे की एक खड़ा है रोशन उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर ताक रहा है सुरेंद्र मेज के एक कोने पर बैठा छत की ओर जोर जोर से हिलते फानूस को देख रहा है डॉक्टर सिर उठाता है मैंने इंजेक्शन दे दिया है भाषी ने लक्षण बताए थे उन्हें सुनकर मैं बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान ले आया था और मेरा ख्याल ठीक निकला भाषी को मेरे साथ भेज दो तो, मैं इसे नुस्खा लिख देता हूँ यही बाज़ार से दवाई बनवा लेना मेरी जगह तो दूर है पंद्रह पंद्रह मिनट के बाद गले में दवाई की दो चार बूंदे टपकाते रहना और एक घंटे में मुझे सूचित करना यदि एक घंटे तक यह ठीक रहा तो मैं एक इंजेक्शन और दे जाऊंगा। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं रोशन आवाज़ भर आती है डॉक्टर साहब डॉक्टर घबराने से काम ना चलेगा सावधानी से उसकी देखभाल करो शायद रोशन मैं अपनी ओर से कोई कसर न उठा रखूंगा डॉक्टर साहब सुरेंद्र देखो तुम मेरे पास रहना जाना नहीं यह घर इस बच्चे के लिए वीराना है ये लोग इसकी जिंदगी नहीं चाहते बड़ा रिश्ता पाने के रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं इसकी मौत चाहते हैं सुरेंद्र क्या कहते हो रोशन डॉक्टर रोशन लाल रोशन आप नहीं जानते डॉक्टर साहब ये सब लोग पत्थर दिल है आपको मालूम नहीं इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था उधर ये दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे सुरेंद्र यह तो दुनिया की रीत है भाई रोशन दुनिया की रीत निष्ठुर निर्मम क्रूर नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है किसी के लाड़ प्यार में पली होती है फिर डॉक्टर को जाने के लिए उद्यत देकर आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब भाषी से देखो भाषी जल्दी आना बस जैसे यहीं खड़े हो डॉक्टर और भाषी चले जाते हैं रोशन सुरेंद्र क्या होने को है क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा मैं तो उसे देख सरला का दुख भूल चुका था लेकिन अब हाथों से चेहरा छिपा लेता है सुरेंद्र उसे धकेल कर कमरे की ओर ले जाता हुआ पागल ना बनो चलो उसके कम, घर में क्या कमी है वह चाहे तो मुर्दों में जान आ जाए मरणा सन्न उठ खड़े हो रोशन भराए गले से मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा उसका कोई भरोसा नहीं कैलस और क्रूर उसका काम सताए हुओं को और सताना है जले हुओं को और जलाना है सुरेंद्र दीवाने ना बनो चलो उसके सिरहाने चलकर बैठो मैं देखता हूँ भाषी अभी क्यों नहीं आया उसे दरवाजे के अंदर धकेल कर मुड़ता है दाई ओर के दरवाजे से माँ प्रवेश करती है माँ किधर चले सुरेंद्र जरा भाषी को देखने जा रहा था माँ क्या हाल है अरुण का सुरेंद्र उसकी हालत खराब हो रही है माँ हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है ये डॉक्टर जो ना करे थोड़ा है बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी आराम हो रहा था जिगर का बुखार ही था दो दो बरस भी रहता है पर यह डॉक्टरों को लाए बिना न माना और उन्होंने दे दिया दिक का फतवा हमने तो भाई इसीलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है आखिर मैंने भी तो पांच पांच बच्चे पाले हैं बीमारियां हुई कष्ट हुए कभी डॉक्टरों के पीछे भागी भागी नहीं फिरी क्या बताया डॉक्टर ने सुरेंद्र डिप्थीरिया है माँ क्या सुरेंद्र बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी अच्छा भला आदमी चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाता है माँ कांप का राम राम तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला उसे जरा बुखार है छाती जम गई होगी बस मैं छुट्टी दे देती तो ठीक हो जाता पर मुझे कोई हाथ लगाने दे तब ना हमें तो वह कहता है बच्चे से प्यार ही नहीं सुरेंद्र नहीं नहीं यह कैसे हो सकता है आपसे दादा वह किसे प्यारा होगा चलने को उद्यत होता है सुनो, सुरेंद्र रुक जाता है मां तुमसे एक बात करने आई थी तुम उसके मित्र होना उसे समझा सकते हो सुरेंद्र कहिए, माँ। आज वे फिर आए थे सुरेंद्र वे कौन मां सियालकोट के एक व्यापारी है जब सरला का चौथा हुआ था तो उस दिन रोशी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आए थे पर उसे न जाने क्या हो गया है किसी की सुनता ही नहीं सामने ही ना आया हार कर बेचारे चले गए रोशी के पिता ने उन्हें एक महीने बाद आने को कहा था सो पूरे एक महीने बाद वे आए हैं सुरेंद्र माँ जी माँ तुम जानते हो बच्चा दुनिया जहान का यह कायदा है गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है राम प्रताप ही को देख लो अभी दाह कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा बिना निचोड़ा था कि नकोदर वालों ने शकुन दे दिया एक महीने के बाद ब्याह हो गया और अब तो सुनते हैं बच्चे भी होने वाला है सुरेंद्र माँ जी राम प्रताप और रोशन में कुछ फर्क है माँ यही ना कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी है और यह पढ़ लिख कर हमारी बात काटना सीख गया है बेटा अभी तो चार नाते आते हैं फिर देर हो गई तो इधर कोई मुंह ना करेगा लोग सौ सौ बातें बता बनाएंगे सौ सौ लाछन लगाएंगे और फिर कौन ऐसा कुआरा है सुरेंद्र माँ जी तुम्हारा रोशन बिन ब्याह न रहेगा इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ माँ यह ठीक है बेटा पर अब यह भले आदमी मिले हैं घर अच्छा है लड़की अच्छी है सुशील है सुंदर है पढ़ी लिखी है और सबसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं लड़की की बड़ी बहन से अभी मैंने बातें की हैं ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ बोलती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं जिसकी बड़ी बहन ऐसी है वह आप कैसे ना अच्छी होगी सुरेंद्र माँ जी अरुण की हालत नाजुक है जाकर देखो तो मालूम हो माँ बेटा अब ये भी तो इतनी दूर से आए हैं इस आंधी और तूफान में कैसे इन्हें निराश लौटा दे सुरेंद्र तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ तुम्हारा वह दोस्त है उससे जाकर कहो कि जरा दो चार मिनट जाकर उनसे बात कर ले जो कुछ वे पूछते हूँ उन्हें बता दे इतने में मैं लड़के के पास बैठती हूँ सुरेंद्र मुझसे यह नहीं हो सकता जी बच्चे की हालत ठीक नहीं बल्कि चिंताजनक है आप नहीं जानती वो उसे कितना प्यार करता है भाभी के बाद उसका सब ध्यान इसी में सिमट आया है और इस समय जब बच्चे की हालत नाजुक है मैं उससे यह सब कैसे कहूं बीमार के कमरे का दरवाजा खुलता है रोशन प्रवेश करता है बाल बिखरे हुए चेहरा उतरा हुआ आंखें फटी फटी सी रोशन सुरेंद्र तुम अभी यहीं खड़े हो भगवान के लिए जाओ जल्दी जाओ मेरी बरसाती ले जाओ नीचे से छाता से जाओ देखो भाषी अभी आया क्यों नहीं अरुण तो भाषी सीढ़ियों से मैं आ गया भाई साहब भाषी दवाई की शीशी लिए हुए आता है सुरेंद्र और भाषी बीमार के कमरे में जाते हैं माँ रोशन के समीप आती है माँ क्या बात है घबराए हुए क्यों हो रोशन माँ उसे डिप्थीरिया हो गया है माँ मुझे सुरेंद्र ने बताया है असंतोष से सिर हिलाकर तुम लोगों ने मिल मिलाकर रोशन क्या कह रही हो तुम्हें अगर खुद किसी बात का पता नहीं तो दूसरों को तो कुछ करने दो माँ चलो मैं चल कर देखती हूं बढ़ती है रोशन रास्ता रुकता है नहीं तुम मत जाओ उसे बेहद तकलीफ है सांस उसे मुश्किल से आती है उसका दम उखड़ रहा है तुम घुट्टी वुट्टी की बात करोगी जाना चाहता है माँ सुनो रोशन मुड़ता है माँ असमंजस में है रोशन कहो माँ चुप रोशन जल्दी कहो मुझे जाना है माँ वे फिर आए हैं रोशन वे कौन माँ वही सियालकोट वाले रोशन क्रोध से उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाए जाने जाते हैं माँ रोशी रोशन मैं नहीं जानता मैं पागल हूँ या आप क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता शादी 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 क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है आखिर आप लोगों को हो क्या गया है क्या वह मेरी पत्नी ना थी क्या वह माँ शोर मत मचाओ हम तुम्हारे ही फायदे की बात सोच रहे हैं राम प्रताप रोशन चीख कर तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो अपड़ अशिक्षित गवार उसके दिल कहाँ है महसूस करने का मादा कहाँ है वह जानवर है माँ तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था रोशन वे माँ जाओ मैं क्या कह करने लगा था तेजी से मुड़कर कमरे में चला जाता है दरवाजा खट से बंद कर लेता है हाथ में हुक्का लिए हुए खंखारते रोशन के पिता प्रवेश करते हैं पिता क्या कहता है रोशन माँ वह तो बात भी नहीं सुनता जाने बच्चे की तबीयत बहुत खराब है पिता खंकार कर एक दिन में ही इतनी क्या खराब हो गई मैं जानता हूँ यह सब बहानेबाजी है जोर से आवाज़ देता है रोशी खिड़कियों पर वायु के थपेड़ों की आवाज़ फिर आवाज़ देता है रोशी रोशन दरवाज़ा खोलकर झांकता है चेहरा पहले से भी उतरा हुआ है आंखें रुआंसी और निगाहों में करुणा रोशन अत्यंत थके स्वर में धीरे बोले आप क्या शोर मचा रहे हैं पिता इधर आओ रोशन मेरे पास वक्त नहीं पिता चीख कर वक्त नहीं रोशन धीरे बोले आप पिता मैं कहता हूं वे इतनी दूर से आए हैं तुम्हें देखना चाहते हैं तुम जाकर उनसे जरा एक दो मिनट बात कर लो रोशन मैं नहीं जा सकता पिता नहीं जा सकता रोशन नहीं जा सकता पिता तो मैं शगुन ले रहा हूँ इस वर्षा आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता रोनी की तरह रोशन हंसता है रोशन हाँ हाँ आप जाइए लक्ष्मी का स्वागत कीजिए खट से दरवाजा बंद कर लेता है पिता रोशन की माँ से इस एक महीने में हमने कितनों को इनकार नहीं किया लेकिन इनको कैसे न कर दे सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है मैंने महीने भर में अच्छी तरह पता लगा लिया हजारों का तो इनके यहाँ लेन देन है माँ बहू की बीमारी का पूछते होंगे पिता उन्हें शक था पर मैंने कह दिया जिगर का बुखार था बिगड़ गया माँ बच्चे को पूछते होंगे पिता हाँ पूछते थे मैंने कह दिया कि बच्चा है पर मौत माँ की मौत के बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती परमात्मा ही मालिक है माँ तो आप हाँ कर दें पिता हाँ मैं तो शगुन ले लूंगा चले जाते हैं हुक्के की आवाज़ दूर होते होते गुम हो जाती है माँ खुशी खुशी कमरे से घूमती है भाषी आता है और तेजी से निकल जाता है माँ भाषी भाषी मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ तेजी से चला जाता है बीमार के कमरे से सुरेंद्र निकलता है सुरेंद्र भरी हुई आवाज़ में माँ जी माँ घबराए स्वर में क्या बात है क्या बात है सुरेंद्र दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो माँ क्या आंखें फाड़े उसकी ओर देखती रह जाती है हवा की साए साए सुरेंद्र अरुण इस संसार से जा रहा है फानूस टूट कर धरती पर गिर पड़ता है माँ भाग कर दरवाजे पर जाती है माँ रोशी रोशी दरवाज़ा अंदर से बंद है रोशी रोशी रोशन कमरे के अंदर से भराए हुए स्वर में क्या बात है माँ दरवाजा खोलो रोशन तुम लक्ष्मी का स्वागत कर आओ माँ रोशी रोशन चुप माँ रोशी सीढ़ियों से रोशन के पिता के हुक्का पीने और खंखारने की आवाज़ आती है पिता सीढ़ियों से ही रोशन की माँ बधाई हो पिता का प्रवेश माँ उनकी ओर मुड़ती है बधाई हो मैंने शगुन ले लिया कमरे का दरवाजा खुलता है मृत बालक का शव लिए रोशन आता है रोशन हाँ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ पिता हैं मर गया हाथ से हुक्का गिर पड़ता है और मुंह खुला रह जाता है माँ मेरा लाल चीख मार कर सिर थामे धम से बैठ जाती है सुरेंद्र बाजी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो पिता मेरा बच्चा वहीं बैठ जाता है पर्दा गिरता है